भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वी वेलकम यू ऑल टू द सेलिब्रेशन इन द बिलव्ड स्कूल ऑफ आवर्स। देयर इज फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश फुलफिलमेंट, लाइट ऑफ न्यू अकॉम्प्लिशमेंट, प्रोमिसेस फॉर न्यू कमिटमेंट्स। We welcome you to the celebration. Very good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all to Sakar. I greet you all on this fine day. I salute the great spirit of Bharat Mata and her brave sons and daughters. I assure you a very entertaining evening with vibrant colors and shades, with glorious anecdotes and event of history, with melodious music and heart-throbbing dances. This evening is very special to us. As very eminent and distinguished guests are present here to bless and guide us, I welcome our chief guest Shri Mathur Bhai Sawani, respected Shrimati Hiraben, Honorable Trustee Kanti Bhai and Dinesh Bhai, Shri Yogendra Bhai, all invited special guests, worthy principals of neighboring school, our grandparents and parents. Your presence is large number really encourages us, motivates us, and boosts us. I thank you all for sparing your valuable time for us. You all have been very good and kind to us, dear parent. This Vidyalaya has made great progress in a very short time of just 5.5 years. It's all because of Lord Swaminarayan's blessings and the cooperation of parents, teachers, and students. I hope the same help will be continued to be extended to us. We assure all our parents that the faith you have put in us will be fully justified. Bas ek prarthna ke sneh sarovar ma bhari dejo aashishono bhandar, biju kai na khape amne bas dei dejo lagni lagatar. देवियों और सज्जनों, अनेक बार अनेक लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मूलतः एक बिल्डर हूँ, फिर मैंने विद्यालय शुरू करने का निर्णय क्यों किया। कई बार मैं स्वयं यह प्रश्न अपने आप से करता हूँ, क्योंकि विद्यालय चलाना आसान नहीं है। यह तो मैंने इन 5.5 वर्षों में जान ही गया हूँ। सभी पेरेंट्स व अन्यों की अपेक्षाएं ऊंची होती है और हर एक की अपेक्षा पर खरा उतरना नामुमकिन है। फिर जो प्रयत्न बालक के जीवन को बनाने में हम करते हैं, उसका परिणाम एक लंबे समय के बाद दिखता है। ये मकान बांधने जैसा नहीं है कि सुबह से काम शुरू हुआ तो शाम तक एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच ही जाएगा। ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं भगवान स्वामीनारायण का एक आश्रित हरिभक्त हूँ और उन्हीं के द्वारा रचित शिक्षा पत्रिका एक श्लोक मेरे मन में आ जाता है, जिसने वस्तुतः मुझे यह शाला शुरू करने की प्रेरणा दी है। श्लोक इस तरह है, संस्थाप्य विप्रम विद्वासम पाठशालाम विद्याप्य च प्रवर्तनीय सद विद्या भुवि यत्सु कृतुम महत्। अर्थात विद्यार्थियों के पढ़ने हेतु एक शाला की स्थापना करें और उसमें विद्वान शिक्षकों द्वारा संसार और जीवन का सही ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि विद्यादान ही सबसे बड़ा पुण्य है। दरअसल यही मंत्र मेरा मार्गदर्शक है, मेरी राह है और मेरी मंजिल भी है। यहाँ से निकलने वाला हर बालक सुशिक्षित हो, सुसंस्कारी हो, सुसभ्य हो और समृद्ध भी हो।
ऐसी हमारी सोच है, इसी विद्या इसी दिशा में हमारे प्रयत्न है। अनेक बड़ी सफलताएं हमें अपनी नन्ही उम्र में ही मिली है, आगे का पथ प्रशस्त ही है ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारे इरादे नेक है, कदम दृढ़ है और आप सभी के समर्पित सहयोग के प्रति हम आश्वस्त हैं। हमारे बच्चे आपसे हमसे कह रहे हैं कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। इन नन्हे बच्चों की ऊंची आशाओं को हमें याद रखना है और प्रयत्न करना है कि ये साकार हो साकार में, और यह अवश्य होगा। विश्वास रखिए, भगवान स्वामीनारायण अनादि मुक्त परम पूज्य नारायण मामा और पूज्य लीला मासी की कृपा वर्षा हम सब पर है और रहेगी। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एंड विश यू अ वेरी वार्म इंटरटेनिंग इवनिंग। अस्तु, जय हिंद, जय स्वामीनारायण।